आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल आईपीएल मैच खेला जाएगा, मैच नंबर 20। ये एक तरफा मैच होगा क्योंकि आरसीबी सारे मैचेस जीत के आ रहा है और दिल्ली कैपिटल सारे मैच हार के आ रहा है। तो भाई ये बहुत ही रोमांचक मैच देखने को मिलेगा, हो सकता है कि वन साइडेड भी आपको देखने को मिला। तो ये वाला जो मैच है ना, मैं तो स्टेडियम में देखने नहीं जाऊंगा, ठीक है। बाकी हर दिन हम लोग विनिंग कर रहे हैं और विनिंग का बरसात लगा दी है। मैं खुद विन कर रहा हूँ उसी टीम से, आप लोग भी विन कर रहे हो, तो मुझे दोगुना खुशी मिलता है कि जब मैं खुद विन करता हूँ। मतलब पंजाब वाले मैच में मैंने 60 लाख विनिंग किया था और काफ़ी भाइयों ने बहुत ज़्यादा विनिंग किया क्योंकि सैम करन कैप्टन था, बहुत लोगों का गिल वाइस कप्तान था और सारे हमारे जितने सारे डिफेंसल प्लेयर था सारे मेरी टीम में था। तो उसी तरह आज भी हम लोग को विन करना है। ये एक तरफा मैच होगा तो टीम बनाना थोड़ा सा इजी होगा, इसमें जीतना थोड़ा सा आसान रहेगा। आज के मैच में आरसीबी वर्सेस दिल्ली का जो मैच है इसमें थोड़ा सा विनिंग करना आसान होगा, लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा वही गुजारिश करूंगा कि आप लोग जब भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो इक्वल इन्वेस्टमेंट क्या करो हमेशा, ठीक है। इक्वल मतलब इक्वल। तो हम हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ इक्वल क्या होता है कि अगर आपके पास 100 रुपीस है तो पर मैच में 10 रुपीस करके इन्वेस्टमेंट करो क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क भी होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बहुत कुछ चर्चा करने वाला है, पिच रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे, टीम न्यूज के बारे में बात करेंगे, अपना खुद का प्रिडिक्शन में दूंगा, कुमार फैजो प्रिडिक्शन मैचअप के बारे में बात करेंगे और बनाएंगे एक बेहतरीन से बेहतरीन फैंटेसी टीम। लास्ट में आपको एक बेहतरीन से बेहतरीन टीम बना के दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो पूरा देखना, बहुत ही शॉर्ट, बहुत लंबा वीडियो नहीं है ये वाला, वीडियो बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत कुछ समझा दिया इस वीडियो में। और जैसे पिछले मैच में पंजाब वाले मैच में शिखर धवन के बारे में बताया था फ्लॉप होगा और सब लोग बोल रहा था पंजाब जीतेगा लेकिन बोला था आरसीबी जीतेगा, तो वैसे ही इस वीडियो में भी आपको प्रेडिक्शन देने वाला हूँ कि कौन जीतेगा, आरसीबी जीतेगा या दिल्ली कैपिटल जीतेगा। दिल्ली कैपिटल अगर मान लो ठीक ठाक रन बनाया तो कौन सा बैट्समैन चलेगा, क्या आज पृथ्वी शॉ चलेगा या नहीं चलेगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैच बहुत खतरनाक होने वाला है एकदम पूरा, मतलब अगर आप देखोगे ना आपको अपने माइंड से टीम बनाना पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा आपको मेरा एनालिसिस यूज करना पड़ेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े टेलीग्राम से जुड़ जाना क्योंकि वहाँ पे मैं टॉस अपडेट फाइनल टीम सब कुछ देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे फर्स्ट कमेंट में दिख रहा होगा, जाओ क्लिक करो हमारे टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। अगर लिंक वर्क ना करे तो आप सर्च कर सकते हो कुमार 508, जैसे सर्च करोगे आपको 1,07,000 का टेलीग्राम चैनल मिलेगा, हो सकता है वो 8,00,000 भी हो जाए, पर 1,07,000 8,000 9,000 इसके बीच में आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, एक ही टेलीग्राम चैनल है मेरा। और नीचे पोस्ट के नीचे व्यू जरूर देखना, जैसे पंजाब वाले मैच में मैंने 60 लाख विनिंग किया था वो मैं अपना विनिंग प्रूफ सेंड किया हूँ टेलीग्राम पे, तो उसमें जाके देखना अगर 20,000 30,000 40,000 लोग देख रहा है, ठीक है, मेरे पोस्ट को, तो वो रियल चैनल है। उसके अलावा कहीं 500,000 व्यू दिख रहा है वो सारे फेक चैनल है, बहुत सारे फेक चैनल बने हुए सबके नाम पे बनता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर ओरिजिनल चैनल पहचानना है बस वही है कि नीचे व्यू देखो, और सबसे आसान है कि फर्स्ट कमेंट में जो लिंक देता हूँ पिन करके उसको क्लिक करोगे डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पे पहुँचाओगे। जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ वही टीम देता हूँ आप लोगों को टेलीग्राम पे, सेम टीम। और सोचो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ लगभग 10 लाख 15 लाख, आप सोचो वो टीम आप लोगों को देता हूँ टेलीग्राम पे। तो भाई जुड़ जाना टेलीग्राम से, फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और वीडियो को लाइक कर देना, 10,000 का लाइक रखता हूँ टारगेट, देखते हैं आप लोग पूरा करते हो या नहीं करते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। सबसे पहले विनर का नाम आ गया है, आप देखो ये सारे विनर हैं, जिसने फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट किया सबसे पहले नाम आया जाता है, गयस चतुर्वेदी, अंकित प्रजापति, फिर संकेत है, ब्रिजेश है, जस खिंदा है। देखो जो लोग अपने चैनल का जो नाम रखता है वही आता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, अगर आपने पहला लाइक और कॉमेंट कर दिया होगा तो आप विनर बन गए। बाकी आपके पास एक और ऑप्शन है कॉमेंट करने का, ठीक है, जिनका सबसे बेस्ट कमेंट होगा वो भी लकी विनर बनेंगे, 5 लोग जिनको मिलेगा बोट का एयर ड्रॉपेस आपके घर तक पहुंचेगा। ये मेरी तरफ से फ्री गिवे है, 10 लोगों को मैं फ्री गिवे देता हूँ रोजाना, 5 देता हूँ फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट का, 5 देता हूँ जो लोग बेस्ट कमेंट करते हैं। कमेंट क्या करना है, पूरा वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वीडियो से क्या सीखा, बस ये आप लोगों को लिख देना है। कॉमेंट करने का पैसा लगता नहीं है, सब लोग ट्राई करें, आप भी एक दिन जरूर विनर बनोगे। तो वेन्यू की बात करते हैं, देखो ये खेला जाएगा बेंगलुरु में मैच, ठीक है, और बेंगलुरु के मैच पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या होता है, फास्ट बॉलर को थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। इस आईपीएल सीजन में मैंने एक चीज़ देखा है कि स्पिनर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। अब लोग ना पंजाब वाले मैच में भी स्पिनर को लेके आया था, मैंने बोला भाई यहाँ पे पेसर्स ज़्यादा चलते हैं और पेसर्स चला भी, तो उसी तरह यहाँ पे पेसर्स ज़्यादा चलते हैं, यहाँ पे पेसर्स ज़्यादा विकेट लेता है,
उसके बाद अगर आप देखोगे लास्ट 5 दिन के अंदर में, अगर आप यहाँ पे देखोगे स्पिन जो बॉलर है उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट मिला है, तो मतलब स्पिनर को भी थोड़ा सा मदद मिलता है, लेकिन उसके मुताबिक पेसर्स थोड़ा सा ज़्यादा भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल जो है 117 मैचेस हुआ है, 63 बार सेकंड बैटिंग करने वाला जीता है, और यहाँ पे रन कितना बनता है तो 150 से नीचे 36 बार रन बना है। ठीक है, मतलब हर कैटेगरी में रन बना है, ठीक ठाक बना है, तो यहाँ पे आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि 150 से 170 के बीच में 31 बार बना है, 90 तक 22 बार बना है, 28 बार 190 प्लस भी बना है, तो कई बार हाई स्कोरिंग भी रन देखने को मिलता है, कई बार लो स्कोरिंग भी रन देखने को मिलता है इस पिच पे। तो मतलब ये समझ लो कि अगर आज से भी पहले बैटिंग करेगा तो आज आपको 200 प्लस भी रन देखने को मिल सकता है, अगर दिल्ली कैपिटल पहले बैटिंग करा तो 150 से नीचे भी रन देखने को मिल सकता है, तो ये आप एक थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो। अब हम इसी स्टेडियम का 4 रिकॉर्ड निकाल के आए हैं कि कौन सा बॉलर सबसे ज्यादा विकेट लेता है। देखो 10 अप्रैल 2023 को मैच हुआ था जिसमें कि आसबी और लखनऊ का यहाँ पे मैच हुआ था, मैच तो लखनऊ जीता था लेकिन आसबी बहुत बढ़िया पारी खेला था, यहाँ पे देखोगे 2 विकेट सिर्फ गिरा था, 212 रन का पारी खेला था, बहुत ही खतरनाक इसी ग्राउंड पे, तो मतलब विकेट बहुत कम गिरा, सेकंड इनिंग में विकेट ज्यादा गिरा है, जिसमें कि लखनऊ मैच तो जीता था लेकिन लखनऊ का विकेट बहुत ज़्यादा गिरा था। यहाँ पे पेसर्स ने 9 विकेट लिया है, 9 विकेट पेसर्स ने लिया, स्पिनर सिर्फ 2 ही विकेट लिया, तो मतलब पेसर्स का यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज रहता है। 23 अगस्त 2022 को मैच हुआ, यहाँ पे भी पेसर्स ने कितना 5/2 7 विकेट लिया, स्पिनर सिर्फ 3 ही विकेट लिया है, यहाँ पे 7 विकेट लिया है। अब यहाँ 22 अगस्त 2022 को मैच हुआ था, यहाँ पे ज्यादा रन बना नहीं था, बहुत कम रन बना था, यहाँ पे ठीक ठाक रन बना था, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 5 विकेट पेसर्स ने लिया, 4 विकेट स्पिनर ने लिया, यहाँ मतलब ठीक है, आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि दोनों को ठीक ठाक मिला है। अब 22 अगस्त 2022 को मैच हुआ था, यहाँ पे 6 विकेट पेसर्स ने लिया है और 3 विकेट स्पिनर ने लिया, मतलब आप यहाँ पे जो रिसेंट मैच है उसके अकॉर्डिंग देख लो कि 9 विकेट मिला है पेसर्स को, 2 विकेट मिला है स्पिनर को, मतलब पेसर्स यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, पेसर्स ज़्यादा विकेट लेके जाते हैं। टोटल यहाँ पे अगर देखोगे पेसर्स ने 27 विकेट लिया, स्पिनर सिर्फ 12 विकेट लिया, जिसमें फर्स्ट इनिंग में पेसर्स ने 8 विकेट लिया, सेकेंड इनिंग में 19 विकेट लिया, और यहाँ पे स्पिनर का भी कुछ इसी प्रकार का है, मतलब इस ग्राउंड पे सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा विकेट गिरता है, तो सेकेंड इनिंग मतलब जो भी टॉस जीत के बैटिंग का फैसला करें उनके बॉलर थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अब यहाँ पे देखोगे लास्ट हेड टू हेड जो मैच हुआ था आरसीबी और दिल्ली कैपिटल के बीच में, आरसीबी ने बनाया था 189, 5 विकेट गिरा था, दिल्ली कैपिटल का 173, 7 विकेट गिरा था, मैच कौन जीता था? आरसीबी, विकेट दोनों का गिरा है लेकिन सबसे ज़्यादा जो गिरा है विकेट दिल्ली कैपिटल का गिरा है। पॉइंट टेबल में आरसीबी जो है वो 7th पोजीशन पे है, दिल्ली कैपिटल एकदम 10th पोजीशन पे, सबसे खराब जो स्कोर है दिल्ली कैपिटल का है, अभी 3-4 मैच खेला है, 4 के 4 हारा है, आरसीबी की बात करते हैं 3 मैच खेला है, 1 जीता है, 2 लॉस किया है, तो मतलब प्लेइंग 11 क्या देखने को मिलेगा, क्या कोई बदलाव देखने को मिलेगा। देखो दिल्ली कैपिटल के तरफ से पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ये दोनों ओपनिंग करते हुए दिखाई देगा, पृथ्वी शॉ फॉर्म में नहीं है, बहुत ही खराब फॉर्म से गुजर रहा है, आज के मैच में थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर सकते हैं आपको आगे बताएंगे। असदुल है, मनीष पांडे है, रोमन पॉवेल है, ललित यादव है, अक्षर पटेल है, मुकेश कुमार है, कुलदीप यादव है, मुस्फिजुर रहमान है और एनरिक नॉरकिया है, ये हमारा प्लेइंग 11 है। इधर से बात करते हैं आरसीबी की तरफ से, फैफ डु प्लेसिस विराट कोहली गजब के फॉर्म में है, ग्लेन मैक्सवेल पिछले मैच में अच्छा खासा टच में दिखा था और मेरे टीम में था जिसके कारण हम वन साइड जीते थे, महिपाल लैमोर था, दिनेश कार्तिक था, शहबाज अहमद, हर्षल पटेल, वेन पर्नेल को कोई भी अपने टीम में लेके नहीं आया था, मेरे टीम में था वेन पर्नेल और वन साइड जीते थे, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को टेलीग्राम पे टीम दिया था। ठीक है, डेविड विले है और यहाँ पे मोहम्मद सिराज है, करण शर्मा है, तो ये प्लेइंग 11 है। ठीक है, डेविड विले अगर आज खेलता है तो आज इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अब हम लोग स्टैट्स पे बात करते हैं, सबसे पहले दिल्ली कैपिटल के प्लेयर के बारे में समझते हैं। पृथ्वी शॉ का अगर आप देखोगे बहुत ही खराब फॉर्म से गुजर रहा है, हर मैच में
12-7-0 15 रन बना रहा है, लेकिन आरसीबी का केस में 23 का एवरेज है, इस वेन्यू पे 28 का एवरेज है। तो आज मेरा जो प्रिडिक्शन है कि पृथ्वी शॉ आज आपको अच्छा खासा पॉइंट देके जाएगा, मतलब ठीक ठाक स्मॉल लीग टीम के लिए बेस्ट पिक रहेगा आज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैट्समैन भी ठीक ठाक कर लेते हैं, पेसर्स को विकेट मिलता है तो पेसर्स के खिलाफ पृथ्वी शॉ ठीक ठाक खेल लेता है। फिर यहाँ पे नाम आता है डेविड वॉर्नर, अभी अच्छे टच में दिख रहा है, हर मैच में 51-65-37 और 56 रन का पारी खेला है, ठीक है, लेकिन आज का जो मेरा प्रेडिक्शन है कि डेविड वॉर्नर से ज़्यादा पॉइंट आज आपको पृथ्वी शॉ देते हुए दिखाई देगा। बाकी स्मॉल लीग टीम में रख लेना, 8 मैच खेला है इस वेन्यू पे, 57 का एवरेज है, 52 का एवरेज है आरसीबी के अगेंस्ट में। अजदुल की बात करते हैं, कल ही खेला था, ज़्यादा रन बनाया नहीं था, 2 रन बनाया था, तो पिक मेरा नहीं रहेगा। वैसे मनीष पांडे अभी फिलहाल पिछले मैच में ठीक ठाक दिखा था, 26 रन का पारी खेला था, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 26 रन का पारी खेला था, बहुत ही बेहतरीन पारी खेला था। तो अगर आज दिल्ली कैपिटल पहले बैटिंग करे तो आप 3 बैट्समैन के साथ जा सकते हो, पृथ्वी शॉ, डेविड वॉर्नर, मनीष पांडे, लेकिन बॉलर भी बहुत खतरनाक है तो हमें बॉलर को भी अपनी टीम में रखना है, इसलिए हम 2 प्लेयर को रखे हैं, पृथ्वी शॉ और वॉर्नर को। यहाँ पे बात करते हैं, रोमन पॉवेल बहुत ही अच्छा हार्ड हिटिंग बैटिंग कर लेता है, तो अगर दिल्ली कैपिटल पहले बैटिंग करे तो आप डिफेंशियल तौर पे रोमन पॉवेल के साथ जा सकते हो, क्योंकि ये हिटर है, अभी फिलहाल फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये जब भी रन बनाएगा तो 50 से प्लस रन बनाते हुए आपको दिखाई देगा, खास करके जीएल में ट्राई करके जा सकते हो। ललित यादव की बात करते हैं, ये भी रन ठीक ठाक बनाते हैं, साथ में बॉलिंग भी करता है, लेकिन पिछले मैच में कुछ किया नहीं था। अक्षर पटेल इंपॉर्टेंट है, स्पिनर को ज़्यादा मदद मिलेगा नहीं इस पिच पे, बहुत कम मिलता है, लेकिन बैटिंग पिछला मैच में देखा होगा, 54 रन का पारी खेला था, और मैं तो ये वाला मैच देखने भी गया था, आप सभी को पता है, ठीक है, दिल्ली और एमआई का जो मैच था दिल्ली में, तो मैं ये देखने गया था, मुझे पता है कि अक्षर पटेल क्या पारी खेला था, इसका क्या इनिंग खेला था, और इसने बताया भी, ठीक है, जब इंटरव्यू लिया इसने बताया भी कि भाई मैं सोच के ही गया था कि मुझे रन बनाना है, हिटिंग करना है, तो भाई अक्षर पटेल फिर से आज एक ठीक ठाक पारी, साथ में इस वेन्यू पे 6 मैच खेला, 8 विकेट भी लिया है, तो स्मॉल लीग टीम के लिए ये बेस्ट पिक रहेगा। ये चारों में से मुकेश कुमार की बात करते हैं, तो ये हर मैच में 2-2 1-1 विकेट लेके जा रहा है, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड है नहीं, तो ये चारों में से अक्षर पटेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये इसको आप स्मॉल लीग टीम में रख लेना। बाकी यहाँ पे नाम आता है कुलदीप यादव, एनरिक नौरकिया और मुस्तफिजुर रहमान, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों बॉलर इंपॉर्टेंट है। अब इनमें मुझे कन्फ्यूजन से मैं किसको रखूँ किसको ना रखूँ, लेकिन सबसे पहला पिक जो मेरा रहेगा नौरकिया रहेगा, क्योंकि आरसीबी के अगेंस्ट में 3 मैच खेला, 7 विकेट लिया, तो ये तो फिक्स हो गया स्मॉल लीग टीम में रहेगा। बाकी कुलदीप यादव की बात करते हैं, आज इसका भी मेरा प्रेडिक्शन है कि आज ये 2 विकेट कन्फर्म लेके जाएगा, तो देखते हैं, अगर पहले बॉलिंग करता है तो इसको मैं अपनी टीम में रखूंगा पहले, वरना मैं ड्रॉप भी कर सकता हूँ, ठीक है, 5 मैच खेला, 4 विकेट लिया, बाकी हो सकता है मैं ड्रॉप भी कर दूंगा तो बेटर है, ठीक है, चलो भी मैं नहीं रखता उसको। मुश्किल रहमान की बात करते हैं, ये 2 मैच खेला इस मैच पे 3 विकेट लिया है, पिछले मैच में 6 विकेट लिया आरसीबी के अगेंस्ट में, तो फिलहाल तो मेरे टीम में नहीं है, अब आगे देखेंगे। ये सारे बेंच प्लेयर है, फ्लिपसार्ट है, रिलू रसू है, हीटर है, दोनों हीटर है, बहुत जैसे रोमन पॉवेल है वैसे है, बाकी इनमें से ज़्यादा कोई मुझे लग नहीं रहा कि खेलेगा। चेतन साकारिया इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आज खेला तो। चलो हम लोग अब आरसीबी के प्लेयर के बारे में समझते हैं, सबसे पहले फैफ डू प्लेसिस के बारे में समझते हैं। फैफ डू प्लेसिस दिल्ली कैपिटल के केस में 27 का एवरेज, इस वेन्यू पे 91 का एवरेज है, मतलब फैफ डू प्लेसिस का 91 का एवरेज है, 6 मैच खेला है, 274 रन बनाए, 91, कैप्टन के लिए सबसे बेस्ट है, सब लोग विराट कोहली को कैप्टन बना रहा है, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि आज फैफ को कैप्टन बनाओ, आज आपके लिए बेटर रहेगा। फिर यहाँ पे नाम आता है विराट कोहली, अभी हर मैच में अच्छे टच में दिख रहा है, 61 रन, 21 रन, 82 नॉट आउट, 54, इस बार विराट कोहली का जो पारी चल रहा है ना ताबड़तोड़, लेकिन फिर भी आरसीबी नहीं जीत रहा है, क्यों नहीं जीत रहा है, क्योंकि इस बार ना टीम बहुत खतरनाक टीम है, बहुत ही खतरनाक, जैसे केकेआर बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रहा है, गुजरात टाइटंस बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रहा है, पंजाब भी बहुत अच्छा खेल रहा है, ठीक है, मतलब लखनऊ भी बहुत अच्छा खेल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा पिछड़ जा रहा है, वाकई आरसीबी भी बहुत अच्छा टीम है और मुझे लग रहा है कि इस बार आरसीबी फाइनल तक जा सकता है, तो विराट कोहली को आज वाइस कैप्टन बनाओ, आज के लिए आपके लिए बेटर है, क्योंकि यहाँ पे 40 का एवरेज है इस वेन्यू पे और 23 का एवरेज है दिल्ली कैपिटल के अगेंस्ट में। फिर नाम आता है यहाँ पे महिपाल लैमरोर, पिछले मैच में चला नहीं था, बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं आया था, लेकिन आज के मैच में मैं तो यही बताऊंगा एक डिफरेंशियल पिक रहेगा, अगर आज आरसीबी पहले बैटिंग करेगा तो आज आप 3 बैट्समैन के साथ जा सकते हो, महिपाल लैमरोर को ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, हीटर है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे ये विकेट भी लेता है कई बार, बॉलिंग भी, यहाँ पे देखो 34 रन 1 विकेट, तो पार्ट टाइम बॉलिंग भी करता है। ग्लेन मैक्सवेल आज फिर से इंपॉर्टेंट होगा, तो हमारे टीमों में ये 3 बैट्समैन 100% रहेगा, एक तो फैफ डू, एक तो विराट और एक मैक्सवेल। पिछले मैच में मैक्सवेल ने 59 रन का पारी खेला था, लोग इसको पिक नहीं किया था, लेकिन मेरी टीम में था। यहाँ पे बात करता है 8 मैच खेला है, 15 का एवरेज है और
दिल्ली कैपिटल के अगेंस्ट में 41 का एवरेज है। अब यहाँ पे बात करते हैं विकेट कीपर में, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, दिनेश कार्तिक है, तो दिनेश कार्तिक का बेटर पिक रहेगा क्योंकि इसका बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा ऊपर है, तो ये मेरे टीम में रहेगा। 22 का एवरेज है दिल्ली कैपिटल के अगेंस्ट में। वेन पंडेल पिछले मैच में जब इसको किसी ने अपनी टीम में नहीं रखा था, ठीक है, डेब्यू नहीं मतलब कल जब खेला गया था तो मैं अपनी टीम में रखा था, 3 विकेट लिया, और मैं फिर से आज भी अपनी टीम में रखूंगा और रिकॉर्ड बढ़िया है, 27 मैच में 30 विकेट ले चुका है। शहबाज अहमद की बात करते हैं, ये इस वेन्यू पे विकेट लेस है। हर्षल पटेल की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, 3 मैच खेला दिल्ली कैपिटल के अगेंस्ट में, 3 विकेट लिया, 16 मैच में 14 विकेट लिया, तो ये पावर प्ले दत्त में बॉलिंग करेगा इसलिए इंपॉर्टेंट है। पिछले सीजन का तो हीरो था, ठीक है, हर्षल पटेल चमक गया था, आईपीएल से ही चमका है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर्षल पटेल इंपॉर्टेंट है, वेन पंडेल इंपॉर्टेंट है दो, और यहाँ पर बात करते हैं सिराज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो 100% रहेगा मेरे टीम में, 10 मैच में 11 विकेट लिया है और आज दिल्ली कैपिटल के अगेंस्ट में 6 मैच खेला है, 9 विकेट लिया, तो इसका भी फॉर्म अच्छा चल रहा है। बाकी यहाँ पे नाम आता है डेविड विले, अभी फिलहाल 3 मैचों से फ्लॉप चल रहा है, अगर आज खेलता है तो मेरे टीम में 100% रहेगा, ठीक है, पर अभी कन्फर्म नहीं है कि ये खेलेगा नहीं खेलेगा। करण शर्मा की बात करते हैं, पिछले मैच में 1 विकेट लिया था, लेकिन इस वेन्यू पे करण शर्मा का रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है, 6 मैच में 11 विकेट लिया है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आरसीबी के फेवर में पूरा का पूरा टीम बनाओ, 7 प्लेयर आरसीबी का रखो, 4 प्लेयर सिर्फ दिल्ली कैपिटल का रखो, तो शायद आप वन साइड जीत सकते हो, ये मेरा प्रिडिक्शन है। आज करण शर्मा रिस्की, मैं आपको एक प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, रिस्की में ये आज आपको 2 विकेट लेके दे सकता है, अगर आप रिस्की कैप्टन बनाना चाहते हो बना सकते हो, बाकी आज बैट्समैन को कैप्टन बनाओगे तो बेटर रहेगा, बाकी करण शर्मा को आज ग्रैंड लीग में जरूर कैप्टन बना के जाना। ये सारे बेंच प्लेयर हैं, इनमें से कोई मुझे लग नहीं रहा खेलेगा, देख लो एक बार, वरिंदो हसरंगा बहुत ही अच्छा प्लेयर है, अभी खेल नहीं रहा है, ठीक है, और इस टॉपले देखते हैं क्या इसको खेलाता है या नहीं खेलाता है, अगर ये खेलता है, लैपटॉप मिड फास्ट बॉलर है, तो फिर एक बहुत ही खतरनाक ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है। इसका रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है, 139 मैच में 178 विकेट लिया, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। चलो अब हम अपना खुद का प्रिडिक्शन बताते हैं, कुमार 508 का मैचअप प्रिडिक्शन, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आज आरसीबी मैच जीतेगा, ठीक है, सबसे पहला प्रेडिक्शन है कि आरसीबी मैच जीतेगा और 70% चांस है मैच जीतने का। अब दूसरा जो प्रेडिक्शन है, विराट कोहली फैफ डू प्लेसिस जो है फिर से आज अच्छा रन बनाएगा, ठीक है, दोनों को आज कैप्टन वाइस कप्तान बना सकते हो, एसएल के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कैप्टन वाइस कप्तान विराट कोहली फैफ डू प्लेसिस, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि आज रिस्की कैप्टन के लिए हर्षल पटेल सबसे बेस्ट रहेगा, हर्षल पटेल आज बेस्ट रहेगा रिस्की कैप्टन में। चौथा जो पॉइंट है, पृथ्वी शॉ स्मॉल लीग के लिए बेस्ट सिलेक्शन रह सकता है आज, और आज आपको 50 से प्लस पॉइंट देकर जाएगा, ठीक है, कौन, पृथ्वी शॉ, जिनका सिलेक्शन बहुत ही लो है, आज आप इसको जीएल में भी कैप्टन ट्राई कर सकते हो, पृथ्वी शॉ एक बेस्ट है, रिस्की पिक है, जो कि आज आपको 50 से प्लस पॉइंट देकर जा सकता है, आज स्मॉल लीग में जरूर रखना और रिस्की कैप्टन भी बना सकते हो। जो 5 पॉइंट है, आज ये 4 बॉलर 6 से 7 विकेट लेके देगा आपको, कौन कौन है, एक हर्षल पटेल है, एक वेन पंडेल है, सिराज है, एंड्रिक नौरकिया है, ये 4 बॉलर आज आपको 6 से 7 विकेट लेते हुए दिखाई देगा, मतलब ये चारों के चारों आपकी स्मॉल लीग ग्रैंड लीग टीम में होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बनाते हैं फैंटेसी टीम, जैसे मैंने बताया था कि लास्ट में आपको एक टीम बना के दूंगा, तो ये मैंने टीम बनाया है, विकेट कीपर में दिनेश कार्तिक है, डेविड वार्नर है, विराट कोहली है, पृथ्वी शॉ है, जो मेरा एक रिस्की पिक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आज 50 से प्लस पॉइंट देके जाएगा, आज रिस्की जीएल में कैप्टन भी बना सकते हो, फैफ डू प्लेसिस है, अक्षर पटेल है, ग्लेन मैक्सवेल है, इधर नौरकिया है, हर्षल पटेल है, सिराज है, वेन पंडेल है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप एक रिस्क लेना चाहते हो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, अक्षर पटेल को आज आप ड्रॉप करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि इस ग्राउंड पेसर्स को थोड़ा सा ज़्यादा मदद मिलता है, और पिछले मैच में अक्षर पटेल ने रन से सिर्फ पॉइंट दिया था, बॉलिंग से बिल्कुल पॉइंट नहीं दिया था, तो अक्षर पटेल को अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो तो आप एक और पिक कर सकते हो, मनीष पांडे को आज पिक कर सकते हो, क्योंकि इसका बैटिंग थोड़ा सा ऊपर है, एक ये कर सकते हो। दूसरा, आप एक बॉलर जैसे मुशफिकुर रहमान, आप इसको पिक कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, और ज़्यादा कोई चेंजेस मत करना, बस यही सी प्लेयर है, या तो डेविड विले को ले सकते हो, ये 3 जो प्लेयर है, मनीष पांडे, मुशफिकुर रहमान और डेविड विले, ये तीनों को आप इसके जगह ले सकते हो, बस आप वन साइड जीत जाओगे और कुछ भी नहीं करना। मेरा वीडियो वाला टीम एकदम बिल्कुल फायर रहता है, कैप्टन वाइस कप्तान सिर्फ चेंज कर सकते हो, क्योंकि फैफ डू प्लेसिस का यहाँ पे इस वेन्यू पे रिकॉर्ड बहुत ही खतरनाक है, और वाइस कप्तान आप विराट कोहली को भी कर सकते हो, अगर रिस्की वाइस कप्तान करना है तो पृथ्वी शॉ को भी आज वाइस कप्तान आप कर सकते हो।
ठीक है। नॉर्किया का भी रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, आप इसको भी वाइस कैप्टन कर सकते हो। ये तीन आपके पास ऑप्शन बेस्ट है, कैप्टन फैब को भी रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी मेरा वीडियो वाला टीम एकदम बिल्कुल सुपर रहता है, आप पूरा जाके उठा लो। फर्स्ट आईपीएल से स्टार्ट किया हूँ, फर्स्ट आईपीएल से का वीडियो से देख लो, अभी तक जितना सारा मैचेस हुआ 20 मैचेस है, 19वां मैचेस तक मेरा वीडियो वाला टीम फायर था। बाकी अगर इनमें कोई भी चेंजेस हुआ तो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, पहले ही कमेंट में जाओगे आपको टेलीग्राम का लिंक दिख जाएगा, पिन करके दे दिया हूँ, क्लिक करोगे हमारे टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। अगर लिंक वर्क ना करे तो आप सर्च भी कर सकते हो Kumar508TFCE, जैसे ये सर्च करोगे आपको 1,07,000-8,000 का टेलीग्राम चैनल दिखेगा, वही मेरा एक ओरिजिनल चैनल है। चैनल को पहचानने का नियम क्या है, रूल्स क्या है, कि मैं जो पोस्ट करता हूँ अपना ऑडियो वीडियो मैसेज समझाता हूँ जो, उसमें जाके व्यू देखना आपको लगभग नहीं तो 20,000 से ऊपर आपको व्यू दिखेगा, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 ऐसे व्यू दिखेगा, ठीक है, आंख बना हुआ होगा, वही ओरिजिनल है। उसके अलावा जहां आपको 500, 200, 300 व्यू दिखे, ठीक है, वो सारे फेक चैनल है। ओके, तो जुड़ जाना, या तो सबसे आसान तरीका है फर्स्ट कमेंट में लिंक दिया हूं, उसको क्लिक करके जुड़ लेना, अगर वर्क ना करे तब सर्च करना। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले। बाकी वीडियो पसंद आया हो प्लीज एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं स्टूडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।